बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ट्राउज़र के बॉटम पर टाई नोट डिज़ाइन बनाया है। ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको स्लीव्स पर भी बना सकते हैं और ट्राउज़र पर भी, ये दोनों पर ही खूबसूरत लगता है। आइए अब हम इस डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। हमारे ट्राउज़र की बॉटम की चौड़ाई 6.5 इंच है। अब हम इसको इस तरह खोल कर फैला लेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने फ्यूज़ पेपर लिया है और इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम 1 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाएंगे और इसकी लेंथ का निशान 3 इंच पर लगाएंगे। अब इस तरह हम दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब 1.25 इंच पर हम बाहर की तरफ एक निशान लगाएंगे। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने वी कट कर ली है। दूसरे पैंचे के लिए भी एक और वी काट लेंगे। इनको कपड़े पर पेस्ट करके काट लेंगे। अब इनको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसके सेंटर में हमें कट लगा लेंगे। ये जो हमने पैंचा खोलकर फैला था, इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब वी को इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और सीधी एक अच्छी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि सिलाई फ्यूज पेपर के ऊपर ना इसके साथ साथ आए। कच्ची सिलाई को निकाल देंगे। सिलाई के साथ थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर बाकी फालतू कपड़ा काट देंगे और इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम टाई की कटिंग करेंगे। टाई बनाने के लिए हम 3.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे और इसकी लंबाई 16 इंच है। अब हम 16 इंच लंबे और 3.5 इंच चौड़े 4 पीस काट लेंगे। Thank you.
एक पंच पर दो टाई लगेंगी। कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह पांचे पर रखना है। यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है, इतना हिस्सा पांचे के साथ सिलाई होगा। अब इधर से भी हमने दूसरे पीस को इस तरह से नाप लेना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है। इन पट्टियों का एक किनारा हम ट्राउजर के साथ सियेंगे और दूसरे किनारे पर नोक होगी। तिरछा करने के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरह निशान लगाकर काट लेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया था उस निशान से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, ये खुला सिरा है, ये इतना ट्राउजर के साथ अटैच होगा। इसको सीधा करके प्रेस कर लेंगे। किसी नोकदार चीज से इसकी नोक सेट कर लेंगे। अब इस तरह खुली वाली साइड को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर प्रेस कर लेंगे, इतना हमारा सिलाई में आएगा कपड़ा। इस तरह ट्राउजर के साथ ये पट्टियाँ अटैच होंगी। पट्टी को अटैच करने के लिए हम ट्राउजर को उल्टा रखेंगे इस तरह से। जहाँ से हमारी सिलाई स्टार्ट होती है वहाँ पर हमें कट लगा लेंगे। जहाँ कट लगाया था वहाँ हम इसको इस तरह से वी के किनारे पर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हमने एक साइड अटैच कर दी है, अब दूसरी साइड ट्राउजर की सीधी वाली साइड से लगेगी। अब इस तरह सिलाई को कपड़े के अंदर दबाएंगे और सेट कर यहाँ किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। हम
हम सिलाई को रोकेंगे नहीं बल्कि आगे ले जाएंगे और सब किनारों पर लगा देंगे। एक तरफ हमने एक टाई अटैच कर दी है, अब हम दूसरी भी इसी तरह करेंगे। हमारी टाई अटैच हो गई है, अब हम इस पर बो बनाएंगे। उसके लिए हम इस पर गिरा लगाएंगे। अब हम साइड की सिलाइयाँ भी लगा लेंगे और इसी तरह दूसरा पैंचा भी तैयार कर लेंगे। ये देखें, खूबसूरत टाई नॉट कैपरी रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।